उसकी वो उसकी शादी के 2 महीने बाद बेबी हो गया था, मतलब बेबी हो नहीं गया था, मतलब वो नहीं, नो 395 डेज हो गए मुटू, है 395 डेज टुगेदर, 395 डेज में मुझे तुम 395 डेज ही पसंद आई हो, 395 डेज 2 दिन हो गई, कोई एक तो दिन होगा ना जब, जैसे मैं अगर अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे वहां वो जो तुमने एनवेलप खोला था मुझे बस तुम्हारा वो वाला चेहरा याद आता है, तब मुझे बहुत प्यार आया था तुम पे। होता है भाई वो और डेज भी काउंट किया उससे शायद, तो अरे 12 महीने में 365 डेज होती है गाइस यार, अब 13 महीने में कितने डेज होते हैं आप खुद काउंट करिए, ठीक बोल रहे हो, 395 होंगे फिर शायद, अब ये आज जनवरी 2 भी हो गया, 397 है, झगड़ा होता था तब, और ये उनको मतलब पता नहीं एक ही मूड में रहना पसंद नहीं है, उनको मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर उंगली करनी होती है, उधर उधर की बातें लेनी होती है, फालतू फालतू बातें लेनी होती है, अब वो स्मेल करे और मैं तारीफ ना करूँ तो भी मतलब लड़ाई, वो अब पा दे और मैं मतलब सुन के वाह मत बोलू तो भी लड़ाई, ऐसे लगता है मुझे तो। हाँ तो आज मैं तैयार होकर आई, तुमने बोला मुझे कुछ कि अच्छी लग रही हो, नहीं तुम क्या मतलब आते मतलब लाल कलर की टट्टी लग रही हो, बोला मैंने क्या बोला था मैंने, हाँ तो ऐसे थोड़ी होती तारीफ, तुम ऐसे मतलब ऐसे वाओ ऐसे क्यों नहीं करते यार, अब भी ऐसे हो जाता हो ना कोमा में चला जाता 2-3 दिन के लिए, मतलब क्यों नहीं ऐसे रिएक्ट करते, कभी कभी करते हो लेकिन रोज क्या करो यार, मैं किसके लिए इतनी सस्ती समझती हूँ पागल, मैं चाहूँ तो बस जो रात में पहने वही पहन के ऊपर भाई ऊपर दोपहर में घूमती रहूं, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए, क्यों हंस रहे हो अब तो, दिसंबर 2 ही ना होता, फिर भी मैं मिलती तुमको पता है तुम्हें, ऐसे नहीं तो वैसे, ये किताब पे नहीं इधर लिखा हुआ है नसीब पे, तो अगर उधर से नहीं तो कहीं और से मिलती जो बात है, मूवी देखते देखते इतना डायलॉग मान्य हो गई है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें, क्या है मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या क्या बोलो क्या बोला मैंने, मेरी कुछ नहीं गर्लफ्रेंड हूँ मैं, थैंक यू राकेश भाई, एटलीस्ट ही ट्राइड, सुनो ना क्या बोली थी मैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हाँ मैं कभी हुई नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ना मुझे होना था, सच में यार आयुष तुमने वो किया, मैं कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी तुम्हारी, डायरेक्ट वाइफ बन गई डायरेक्ट से ऑन से, नहीं वे आज से तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो,
चुप। डायरेक्ट वाइफ बन गया तुम तो, है ना? ना गर्लफ्रेंड, ना अफेयर, ना कुछ। डायरेक्ट मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर उधर से। यस। वही नहीं, वेडिंग रे। वेडिंग तो मतलब शायद ऐसे कुछ 5 साल, जब मैं 29 या 28 कहूंगा। मैंने तुम्हें अगवा करके, ठीक है ना, तुम्हें वो नशे की पिल्स पिलाकर शादी कर लूंगी तुम्हारे साथ। फिर मैं देखती हूँ कैसे 20 जो तुम बोल रहे हो। तुम्हें इतनी जल्दी ये क्यों यार शादी करने गए मेरे साथ? तुम मेरे लिए इतना पागल हो? देखो हाँ, आप समझ बोलो सब नहीं, बोलो ना, बोलो इतना मतलब जल्दी क्यों है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी? बताओ मैं बताता हूँ। बताओ। मतलब देखो, नजर बहुत बुरी चीज होती है, और सच में वो मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ पहाड़ को हिला देती है, ठीक है। और तुम्हें और मुझे तो वैसे भी लगती रहती है, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब तुम इधर उधर कहीं भटक ना जाओ, तो इसीलिए शादी करनी चाहिए। तो शादी करने के बाद के तुम मुझे क्या घर के अंदर दीवारों में बांध के रखोगी? तो नहीं, खुली आजादी है पागल। सीधा सीधा बोल दो ना कि मतलब तुम्हें जल्दी शादी करनी है, जल्दी मतलब 6-7 चिंटू चाहिए, ये वो ये वो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इट्स जस्ट यू नो, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ यू, दैट्स इट। असली यस बात रही है, ठीक है? तो हाँ, तो है चाहिए। एक स्टार्टिंग होती है कि पहले छुपाओ, धीरे से लेके अपग्रेड हो इंसान। नहीं, मैं कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेती। ये शॉर्टकट्स क्या हो गई? ये मतलब स्टार्ट स्टार्टअप है, स्टार्टअप। नो 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 नो, आई एम नॉट इनटू इट, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। हर एक चीज की एक शुरुआत होती है यार, कि मतलब पहले ए आती, ए के बाद बी सी डी ई, नहीं, वन टू डायरेक्ट थ्री एम फोर। आएगी, मैरिज, ओके। नहीं, मैं मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ नहीं आ रही तो छोड़ो, और क्या करें। अलीज़ा इज़ राइट, एग्जैक्टली, आई एम ऑलवेज राइट। मैं क्या होती मोटू, मुझे क्या लगता पता है कि मतलब देखो मतलब वो जो स्टार्ट हम होते हैं ना, वो स्टार्ट धीरे धीरे से करेंगे ना, शादी से पहले जैसे कि चुपता और एंड एंड समथिंग कहाँ बसिंग, ऐसे ऐसी चीजें तो हम तो। करते हैं। हाँ पर सुनो ना, तरीके होते हैं ना जिसकी, तो इससे क्या होती है कि मतलब जो जो मतलब करते हैं ये सब चीजें, तो क्या होती है कि मुझे लगता है कि उनकी जल्दी बच्चे हो जाती है। अब जो नहीं करते स्टार्टअप में, इसकी स्टार्ट नहीं होती, तो अब शादी करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे ये चीजें टाइम वेस्ट हो जाएगी। पहले अब चुप किस कब करेंगे, कब ये होगी, ये वो ये वो। नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। मेरी कजन सिस्टर, उसकी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई, ठीक है। और उसकी वो उसकी शादी के 2 महीने बाद बेबी हो गया था, मतलब वो नहीं ये तो डेंजरस खिलाड़ी नो नो, अभी मैं नो, मेरा मतलब है आयुष, मेरा मतलब पागल, मेरा मतलब ये है कि वो लाइक उसको गुड न्यूज़ हो गई थी, है। बच्चा नहीं शादी होता। अरेंज मैरिज, सुनो अरेंज मैरिज, और उसके ऊपर मतलब अरेंज मैरिज की शादी किया अरेंज मैरिज ने, और उसके मतलब 2 महीने बच्चे हो गई।
नहीं 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 सॉरी, मुझसे गलती हुई, तो राम जी की गर्मी दिखाते हैं, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी, मैं मतलब मैं गलत वे में बोल दिया, वो मतलब नहीं है, सॉरी मेरा वो मतलब ही था, लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि इस चीज का उस मतलब छोड़ो इस बातों को पागल ले। मैं बोल रही हूँ, लो मेरी टंग स्लिप हो गई। तो क्या क्या है, रियल रियल बोलो ना, तो क्या हो गई थी? मतलब लाइक दे गॉट मैरिड, ओके, एंड आफ्टर 2 months उसको गुड न्यूज हो गई, एंड देन आफ्टर 9 months उसका बेबी हो गया। ये तो खासकर फ्यूरियस 10 निकलना चाहिए। हाँ वही वही, मतलब शादी था। ओके ओके, तो मतलब शादी किया, शादी करने के मतलब बाद मतलब गुड न्यूज आई, और गुड न्यूज आने के बाद उसकी मतलब 9 महीने के बाद चिंटू हुआ। यस यस, ऐसे लगे कि शादी के 2 महीने बाद ही बेबी हो गया। नो ओके ओके ओके, नाइस नाइस। तो मैं भी तालियां बजा, ताली किस बात की बजा रहे थे? तो पागल, तुमने बोला कि मतलब शादी किया हुआ 2 महीने के बाद अरेंज मैरिज की मतलब गुड न्यूज आ गई चिंटू की, तो यार ऐसे ऐसे मतलब उसको तो ताली ही देना चाहिए ना ऐसे, मतलब उसको तो यार ये तो बिग अचीवमेंट है बहुत, मतलब तो। ओके व्हाटएवर, प्राउड मोमेंट। और शायद इसलिए वो भी मतलब डरती है, इसलिए किस चीज से डरती हूँ मैं? कोई तो पे कनेक्शन शादी के बाद तुम ढेर सारा चुप होते हो। कहा हाथ पे एक मारूंगा मोटी अभी हाथ पे। ताल पे, ताल पे। बहुत समझते यार, ऐसा लग रही है कि मतलब कोई मैं मतलब अब से लगा दिख रही हूँ, ये अब सर एकदम से डायन कैसी होगी? मेरा रिएक्शन था पागल। ओ अब सर लोग कैसे रिएक्शन होती है? अप्सरा लोग कैसे हंसते दिखाओ एक बार मुझे, अप्सरा हंसा हुआ देखना है। नहीं दिखाओ, दिखाओ अप्सरा लोग कैसे हंसते हैं, देख लेते यार। क्या हुआ? नहीं वो मतलब एकदम से देख लिया ना, मैं मतलब इतना प्रेशियस थिंग, तो इसलिए थोड़ा आईने से मत हंसना, बहुत प्रेशियस है ये, मतलब छुपा के रखो मुठू। ओके, इसलिए तो मैं हंसती हूँ पागल। वही तो, वही तो, नहीं आपसे छुपा के रखना मुठू, ये मतलब बहुत प्रेशियस थिंग है, ये मतलब बहुत एकदम वैल्यूएबल।
तो इसलिए ऐसी चीजों को मतलब अंदर रखना चाहिए जितना हो सके, बाहर नहीं दिखाना चाहिए। बुरा डर गया, बुरा डर गया, कोई नहीं है। शादी कब कर रही हो? मैं तो अभी रेडी हूँ, मैं तो अभी रेडी हूँ, अभी बोलो। एक साथ ये बोल के आ रही है लड़की की, अभी रेडी हो, अभी रेडी। पर शंगन सब पे मैं तो रेडी हूँ भाई, अगला बंदा करे तो मुझे मतलब सब कुछ मुझ में अब अगला बंदा करे तो भाई हम तो, मैं तो रेडी हूँ, आई एम रेडी। शादी तब करेंगे जब मतलब हम हो जाएंगे, तुम भी अपने काम में अपने काम, उसके बाद टाइम दी जाना बच्चा बनाना जान। शादी के बाद ऐसे ही बोला मैंने। ओके ये अजीब अजीब हंसी कहाँ से लेके आ रहे हो यार आजर? यार देखो, जब मैं खुश होती हूँ मेरी अलग हंसी निकलती है, जब मैं शर्माती हूँ मेरी अलग हंसी निकलती है, जब मैं एनॉयड होती हूँ तब मेरी अलग हंसी होती है, ठीक है।